हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से इन सिनेमा की एक और अपकमिंग एंड मच अवेटेड सीरीज़, जिसका टाइटल है दी नाइट मैनेजर। आपको आ दें, ये सीरीज़ एडप्टेशन है ब्रिटिश शो दी नाइट मैनेजर की, जिसमें आपको लीडिंग में नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर, और इनके अलावा नज़र आएंगे अनिल कपूर। आपको आ दें मेकर्स की फर्स्ट चॉइस से ऋतिक रोशन और मनोज वाजपेयी, लेकिन किसी सर्टेन रीजंस के चलते वो दोनों फाइनलाइज नहीं हो पाए इस किरदार के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। वाकई ये सीरीज़ काफ़ी कमाल होगी, काफ़ी मिस्टीरियस होगी और काफ़ी एक्शन से भरपूर, जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड है। ये सीरीज़ प्रीमियर करने वाली है अब से 2 दिन बाद जाने माने OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लस VIP पर, जहाँ पर इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है इस सीरीज़ को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया जाना है, और आपको पता ही होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास में करोड़ों की मात्रा में सब्सक्राइबर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन ओवरसीज में भी ये प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस है, काफ़ी पॉपुलर है। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि इस सीरीज़ का बजट क्या है और इस सीरीज़ को कितने करोड़ कमाने होंगे हिट के लिए, और क्या ओपिनियंस निकल के आ रहे हैं। पब्लिक इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि दी नाइट मैनेजर हिंदी में काफ़ी कम लोगों ने देखा है, या फिर ये कहूँ हिंदी ऑडियंस ने देखा ही नहीं है। वेल, इसका जो बजट है वो है तकरीबन 80 से 85 करोड़ रुपये, नॉर्मल से नॉर्मल। अदरवाइज आपको याद है ऋतिक रोशन ने इस सीरीज़ के लिए 70 करोड़ की फ़ीस की डिमांड की थी, जो कि मंजूर भी कर ली थी, लेकिन वो किसी रीजन्स के चलते इस सीरीज़ को नहीं कर पाए। और आपको याद है अगर ये सीरीज़ 100 करोड़ कमा लेती है तो एक क्लीन हिट मानी जाएगी। तो आपको क्या लगता है पहले दिन ये सीरीज़ कितने करोड़ कमा रही होगी, 15 करोड़, 20 करोड़ या इससे कहीं ज़्यादा? आप क्या कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना।